प्रयागराज के शाहीन बाग बन चुके मंसूर अली पार्क में एक महिला से छेड़खानी और धमकी देने का मामला सामने आया है। करेली की शबनम फातिमा का आरोप है कि एक अन्य महिला की शह पर कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्रता की। जी हम गए थे प्रोटेस्ट में रोशन बाग में, तो मैं गई थी तो एक स्पीच दे रहे थे, मैं बगल में खड़ी हुई थी, तो शारा अहमद खान आई और बोलती क्या है हट जाओ यहाँ से बदतमीजी तरीके से। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए मैं आई हूँ। तो उसके बाद वो बगल में जा करके लड़कों को फ़ोन करी और तीन लड़के आए जिसमें से एक का नाम उमर खालिद है, दो का मैं नाम नहीं जानती, और मेरे से बहुत बदतमीजी से सलूकी किए, बदसलूकी तरीके से मुझे वो किए, बदतमीजी किए। और वॉलंटियर पांच उसकी लड़कियां थी मेरे साथ हाथापाई करने लगी, मैं कुछ बोली नहीं वहाँ पे। और लड़के जो थे मतलब धक्का देते हुए पीछे से बाइक से धक्का दिए हमको और कहते हैं क्या यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो और मार कहीं फेंक देंगे, दोबारा यहाँ दिखाई ना देना, समझती क्या हो, और ये रोशन बाग है और दोबारा यहाँ आना नहीं। और सारा कहती है कि मेरे वजह से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है मेरे वजह से चल रहा है, यहाँ की मालिक मैं हूँ, अब यहाँ दोबारा ये पोस्टर्स में दिखाई मत देना। अब बहुत ही बदतमीजी से ये लोग मेरे साथ सुलूक किए हैं। और अगर मंच पे जाती थी स्पीच देने के लिए। शबनम का आरोप है कि सारा ने उनसे कहा कि ये प्रोटेस्ट उनकी वजह से चल रहा है और यहाँ की सर्वे सर्वा वही है, तो बदतमीजी तरीके से सुलूक करे कि जाओ या बैठो यहाँ से, बहुत बदतमीजी बात, मैं यहाँ की मालिक को मैं बात नहीं करने दूंगी, ये वो बहुत ही मतलब बदसुलूकी से बात करती है वो, और आज उसने हद ही पार कर दी। उधर एसपी सिटी ने बताया कि मंसूर पार्क में जो लोग शामिल हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ धरने में शामिल एक महिला ने छेड़खानी और धमकी की शिकायत दी है। इस मामले में थाना खुल्दाबाद ने अभियुक्त को पंजीकृत किया है और विवेचना जारी है। इसमें एक महिला और एक पुरुष को नामजद करते हुए दो तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, कानून के मुताबिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये जो मंसूर पार्क में चल रहा है एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें मंसूर पार्क में जो लोग शामिल हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ उसी धरने में जो शामिल एक लेडी है उसने एक तहरीर दिया है छेड़खानी का और जान से मारने की धमकी का। इस मामले में थाना खुल्दाबाद पे एक तहरीर प्राप्त हुई है जिस पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है, इसमें विवेचना की जा रही है। उसमें एक महिला को और एक पुरुष को नामजद करते हुए दो तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, इसमें हम विवेचना कर रहे हैं और जो सही कार्रवाई है जो विधिक कार्रवाई है उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।